लैंडस्लाइड हुई है भाई उधर, बहुत ही भयंकर वाला। टोल के पास है अभी, हमने अपने बाइक में ना झंडा इंस्टॉल करवाने वाला है, क्योंकि हम जो झंडा लेके आए थे ना ये बस यहीं तक था, तो भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये हमारे पवन भाई जो हमारे साथ है, और यहाँ पे ये हमारा झंडा आ रहा है भाई, ये है ना इसमें लगने वाला है, देखते हैं। हमें ना थोड़ा सा बड़ा चाहिए, पहले भैया लेके तो आए थे बड़ा, लेकिन भाई बड़ा ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो भैया को ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला। और भाई जो हमारे साथ ही है ना आगे वेट कर रहा है, मतलब घर से जब निकल रहा था तो भी मेरे वजह से लेट हो रहा था, और यहाँ पे भी ना भाई मेरे वजह से लेट हो रहा था, तो देखते यार आगे ना थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े हैं तो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड सो गाइस मिलते हैं आगे, और देखते हैं भाई भोलेनाथ की नगरी में चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और भाई मतलब ना मैं ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैंने बोला था ना अभी देखो मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई, वहाँ से ना चल चल के आ गए हमारे भाई हमारे बुलाने के लिए, तो भाई बस 2 मिनट लगने वाला, उसके बाद हम ना रेडी हो गए आ ही रहे हैं, वहाँ पे ना हमारा इंतजार कर रहे हैं जो हमारे साथ के लोग हैं। सो गाइस अभी हमारी बाइक चेक करोगे ना भाई, हमारी बाइक देखोगे ना इस टाइम पे भाई पूरी की पूरी लोडेड है इस साइड, क्योंकि हमारा जो ट्रिप है ना भाई कुछ थोड़े दूर का है ना, क्योंकि दूर जाना तो भाई वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, और बाकी देखते हैं भाई जो भी होगा वो करेंगे। और बाकी देखो भाई बोले बहुत सारी कावड़िया जा रहे हैं भाई, मतलब मस्त मजे में। सो गाइस अभी ना यार मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि यार तुम्हारे भाई के साथ ना एक ना जाते जाते थोड़ा सा सीन हुआ क्या सीन ये हो गया कि भाई ये देख रहे हो गोप्रो मेरा हेलमेट में माउंट था, हेलमेट को भाई मैंने यहाँ पे रखा था कुछ एक हेलमेट को मैंने यहाँ पे रखा था जैसे मैं चैन लगाने के लिए ना जैकेट का, तो भाई सीन ऐसा कुछ हुआ हेलमेट गया नीचे। एक मिनट भाई आया है हेलो कर रहा है, एक मिनट, तो भाई हेलमेट का सीन ऐसा कुछ था भाई कि हेलमेट में कैमरा गोप्रो मेरा लगा हुआ था, और हेलमेट जो है ना भाई बिल्कुल ध्यान से नीचे गिरा गोप्रो के साथ, और भाई ये जो देख रहे हो ना माउंट टूट गया भाई। और आज का सीन मेरा कुछ इस तरीके से हुआ ना भाई कि यार मैं ना हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना तो भाई दो दो सामान ना, माइक भी दो, माउंट भी दो, हर चीज़ ना दो दो कैरी करके जाता हूँ। आज ना इतनी जल्दी में आ रहा था ना भाई कि एक भी नहीं लाया भाई, जो जितने भी एक्स्ट्रा सामान था ना कुछ भी नहीं लाया। तो भाई अब सुबह जब हम हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचते गाइस, तब जाके देखते हैं भाई कि इसका कुछ जुगाड़ होता है एमसील से, अगर कुछ नया मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई कुछ एमसील से जुगाड़ करके जाएंगे। एंड गाइस अपनी यात्रा ना भोलेनाथ के नाम के साथ ना अच्छे से बीते यार, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो यार क्या हो रहा है, मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मैं सोचा था कि जब मैं निकलूंगा ना तो भाई अपना मोटो ब्लॉग मस्त करते हुए आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन हो गया यार। तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो भोले बाबा जैसा चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल अभी हम खड़े हैं भाई यहाँ टोल के पास, यहाँ पे हम सब ने लंच करा है जितने भी दिख रहे हो ना हमारे सारे ग्रुप का, और बाकी भाई सुबह देखते हैं कि भाई हमारे पास से ये हो पता ही नहीं, हो फिलहाल यार भोले बाबा की कृपा से ना यार हो जाए, नहीं तो यार मुझे ना बहुत दुख होएगा यार, मैं ना ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगा पूरा। सुबह रात के बच चुके हैं 2, अभी हम खड़े भाई मेरठ हाईवे से पहले ना एक टोल पड़ता है उसके पास, और भाई अभी हमने डिनर कर लिया है अपना, जो घर से खाना लेके आए थे वो खा के अभी हम निकल रहे हैं हरिद्वार की तरफ। अब देखते हैं भाई सुबह तक तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे, उसके बाद का प्लान जो है ना गाइस हमारा है केदारनाथ जाने का, बाकी वहां से अपनी यात्रा भोलेनाथ के नाम से अच्छे से करेंगे। सो गाइस आज की राइड स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ, तो सारे बोलो हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और बिल्कुल भाई बड़ा सा, और मेरे पीछे भाई गंगा माता, मतलब यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ही ज्यादा भाई सुकून फील होता है, और कावड़ियों के टाइम पे तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। फिलहाल अपनी बाइक भी है ना सारे आ चुके हैं, और भाई और तो आगे मिलेंगे, फिलहाल 1-2-3 बाइक हमारे साथ है, और गंगा किनारे हम उनका वेट करते हैं, देखते हैं वो कब तक आते हैं। और वो भाई देखो मानसा देवी माँ का दर्शन कर लो, वो देखो वहाँ से दूर से दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिख रहा था। गाइस यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं ऋषिकेश, और वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, क्योंकि
कि पूरी रात ना राइड करने के बाद में थोड़ा बहुत ये लोग थक गए, मैं तो फिलहाल थोड़ा उतना नहीं थका मैं जा सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ ही चलना है तो थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के साथ रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर ले जाऊँगा आगे की सफर के लिए केदारनाथ के लिए। बाबा जी फिर से आ रहा हूँ मैं आपके दरबार में। सो गाइस ये देखो यार ये मेरे हाथ में क्या है, एमसील भाई इतनी मुश्किल। सो गाइस ये चेक करो भाई मेरे हाथ में ना इतनी मुश्किल के बाद इन पहाड़ों में ना भाई एमसील दिखने को मिला है, वो भी भाई यहाँ पे रोक के थोड़ा सा भाई अंदर जाके पता किया ना, वो भी भैया ने यार बहुत मुश्किल से निकाल के दिया, कहीं पे भी भाई मिल नहीं रहा था। अब देखते गाइस इससे ना अपनी गोप्रो का थोड़ा सा जुगाड़ करके देखते हैं, अगर हो गया तो गाइस फिर देखते यार कि अपनी वीडियो ना यार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया है मैं ना वीडियो बनाई शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं फिलहाल। अब देखते हैं इससे जुगाड़ करके ना फिर करते हैं यार भोले बाबा की कृपा से यार अपने ना काम हो जाए यार, अपने गोप्रो का माउंट जुड़ जाए बस इससे। तो गाइस भाई इतने टाइम बाद ना वैसे ही मैं परेशान था, क्योंकि भाई मैं कैमरे से ना बात ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भाई आपको पता है कि मेरा मतलब माउंट जो है ना भाई वो टूट गया था, तो फिलहाल वो सही हो चुका है, अभी वो ना सूख रहा है। और भाई इतने टाइम के बाद ना थोड़ी सी सुकून वाली जगह दिखी है मेरे पीछे, जैसे देख रहे हो भाई झरना वह रहा है ना वहाँ पे ना, अभी भाई नहाने वाले मस्त तरीके से ना ऊपर से देखोगे ना भाई बहुत ही भाई बढ़िया तरीके से ना झरना आ रहा है। झरना हम ना भाई आगे भी देख रहे थे वहाँ पे ना, नीर झरना के पास भी देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे ना बंद था, तो भाई भोले बाबा ने चाहते चलो भाई इन बच्चों को नहला देते, भोले बाबा की कृपा से भाई हमें एक झरना दिख गया यहाँ पे, चल के नहाते हैं मजे से। तो भाई देखो संदीप भाई को यहाँ पे ना डर लग रहा है इस वाले झरने से नहाने में, ताकि पत्थर ना गिर जाए, नहीं गिरेगा भाई चलो। सो गाइस भाई नहाने के झरने में नहाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा भाई सुकून सा मिला यार, एक तो गर्मी के चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी भी लग रहा था, और नहाने के बाद जो भाई सुकून फील हुआ ना मतलब मस्त लग रहा था। एंड गाइस अभी जो है ना हम निकल रहे भाई केदारनाथ के लिए, क्या हुआ रुकना है यहाँ पे पता नहीं कुछ हुआ, ऐसे ये कैंपिंग का हुआ है, कैंपिंग एरिया है वो सारे कैंपिंग वाले होंगे जब भी रुका हुआ है। हाँ तो मैं कहा था एंड मैं कह रहा था कि नहाने के बाद जो है ना भाई बहुत ही ज्यादा सुकून फील हुआ है, और भाई इस टाइम ना बॉडी को ना एकदम रिलैक्स मिल रहा है, और हमारे साथ है भाई हमारे संदीप भाई और एक बाइक पीछे है, और दो बाइक जो है ना भाई वो उन्होंने रूम लेके स्टे कर रहे हैं, क्योंकि ना उनकी हालत नहीं रही आगे चलने की, तो अभी हम ना जहाँ तक हम चल सकते हैं ना वहाँ तक तो चल रहे हैं, और गाइस देखते हैं कि आज में हम सोनप्रयाग तक पहुँच जाते हैं, यानी फिलहाल तो अभी हमें रुद्रप्रयाग का संगम भी दिखलाना है आपको, वो कैसे मिस कर दूंगा गाइस। फिलहाल अभी हम निकलते हैं गाइस केदारनाथ की तरफ, बहुत टाइम से ना गाइस मैंने कैमरे से बातें नहीं किया था यार, मुझे मन नहीं लग रहा था, मेरा ना मन नहीं लग रहा था, फिलहाल अभी जो है ना गाइस अब ना थोड़ा सा यार राहत मिल रही है कि भाई देखो यार अब बातें हो पा रही है आप लोगों से, कैमरे के बदौलत आप लोगों से आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ कि भाई मैं जब जा रहा हूँ ना तो कुछ क्या क्या मुझे दिख रहे लिए मिला। फिलहाल तो भाई मुझे ना आज मेरे पास कैमरा नहीं था ना, कंटेंट तो बहुत सारे मिले, जैसे कि भाई तुम्हारा भाई ने ना देखो पूरा सिस्टम हैंग करने के लिए ना पूरा सिस्टम लगा रखा है, ये देखो ये चेक करो भाई साउंड, ये देखा भाई ये दूसरा साउंड आ रही है, साउंड पता नहीं आ रही हो गई या नहीं, एक और ये वाला कावड़ यात्रा में ना पूरा सिस्टम हैंग करने के लिए ना पूरा भाई ये देखो औजार लेके आया था, तो इसका सीन कुछ ये होगा भाई मैंने पुलिस वाले के सामने बजाता हुआ आ रहा था, वही पुलिस वाला टर्न, तो यार वो मेरी गलती है मैं मानता हूँ, मैंने उनको सॉरी भी बोला, तो उन्होंने भाई साइड में ना मेरी गाड़ी लगवा ली, और वो खुद गाड़ी में थे, गाड़ी में से रुक के भाई उन्होंने मेरी गाड़ी पे खुंदक में आए गुस्से में ये तार खींच के तोड़ दिया, कह रहा क्या है जल लेने के लिए आए तो ये हंगामा कैसे कर रहे हो, ऐसे जल लेने के लिए और आराम से जल लेके जाओ, जय गौ माता की।
अरे जल लेने के लिए आए तो जल आराम से लेके जाओ, हंगामा मत करो। मैंने बोला सॉरी सर मेरी गलती है। फिर वो चले गए। फिलहाल इसको इस जो वायर तोड़ दिया था ना भाई, उसको तो टेप लगा के जोड़ दिया है। फिलहाल अभी आपको दिखलाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ से ना ये टेप लगा के जोड़ दिया है। बहुत मुश्किल से जुड़ गया है, लेकिन भाई सही है कि इसमें ना इस तरीके से वायर था इसलिए जुड़ गया, नहीं तो भाई इसका ना मतलब खेल खत्म ही हो जाता अगर कुछ वायर जोड़ने का ऑप्शन नहीं होता तो। फिलहाल गाइस निकलते हैं अभी हम केदारनाथ के इस हाईवे में आगे की तरफ, भोलेनाथ के नाम के साथ। तो सारे बोलो हर हर महादेव। लैंड स्लाइड हुई है भाई इधर, बहुत ही भयंकर वाला। फिलहाल अभी तो भाई बारिश का टाइम इस अभी तो है नहीं, बारिश के टाइम में एक दो दिन जो है ना बारिश जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। और अभी भी जीसीबी जो है ना भाई लैंड स्लाइड जो हुआ ना यहाँ पे क्लियर कर रही है भाई। बारिश के अंदर ना गाइस पता नहीं क्या सीन हो रहा है हमारे साथ भाई। अभी ना मतलब आधे घंटे से ना बारिश बंद हो गई थी, तो हमने भाई रेनकोट अभी जस्ट ना एक मिनट पहले ना रेनकोट उतार के ना पैक किया ही था। एक मिनट बाद भाई जैसी राइडिंग जैकेट पहनी वैसी भाई बारिश वापस। रेनकोट ये देखो भाई सही है, मेरा रेनकोट भाई पैक हो चुका है इनका, ठीक है। बरसात के मजे के भाई चाय सही लिया जाएगा, बढ़िया चाय। चाय की भाई पहाड़ों की चाय की मजा ही अलग है। आप भी पी रहे हो चाय? आप तो नहीं पी रहे थे? चाय पियोगे? तो गाइस बारिश के वजह से ना हम लोगों ने भाई श्रीनगर में ही आज का स्टे लिया है, क्योंकि भाई आगे ना लैंडस्लाइड भी हो रहा है। और फिलहाल अभी जो है ना गाइस हम ना 5 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे अपना रूम ले लिया था। हम लोग तो जो 6 लोग थे ना भाई हम 5 बजे तक पहुँच गए। और ये भाई जो है ना भाई विक्की भाई और फाड़ू भाई अमर भाई ये लोग है ना भाई अभी आया है। तो भाई बढ़िया रहा हमारे बगैर आना, सही से आए? बढ़िया भाई।